हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ने डेरिवेटिव का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया। डेरिवेटिव का जितना भी पोर्शन था वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। और डेरिवेटिव के वीडियो के अंदर ही मैं आपको बार बार ये बताते चल रहा था कि मैं आपको फॉर्मूला देने वाला हूं, तो वो घड़ी आ गई है आज जो मैं आपको फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव मीन्स डेरिवेटिव के अंदर जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा ए टू जेड मीन्स जितने भी फॉर्मूले है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक का हो, चाहे वो लॉगरिथमिक फंक्शन का हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हो, चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शन का हो, चाहे वो डेरिवेटिव का या इनवर्स डेरिवेटिव का जितना भी फॉर्मूला है वो डेरिवेटिव का मैं आपको बताने वाला हूं। इससे आपको एडवांटेज ये मिलेगा स्टूडेंट कि जब आप डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट डेरिवेटिव के अंदर थोड़ा बहुत वीक भी है तो ये फॉर्मूला लगा के वो क्वेश्चन के अंदर बूस्टेड हो सकता है, बूस्ट करेगा और अपने आपको यहाँ पे फायदा होगा उसका। और एवरी क्वेश्चन उसको सॉल्व करेगा तो उसको 100% वो डेरिवेटिव समझ में आने वाला है। देखिए स्टूडेंट, जो फॉर्मूला अभी तक डेरिवेटिव का था मैं आपको 19-20 फॉर्मूला ही बताया था, 19-20 फॉर्मूला, लेकिन वो फॉर्मूला ओनली डेरिवेटिव का जो आपको 11-12 में ही मिलेगा और कहीं भी 9-10 में सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ फॉर्मूले ऐसे है जो आपको 8-9-10 में भी पढ़ाया गया, वो फॉर्मूले भी यहाँ पे बताऊंगा, जिसकी वजह से फॉर्मूले की अगर लिस्ट देखा जाए तो अपना 65-70, 70-75 फॉर्मूले भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो सब फॉर्मूले जो मैं 65-70 जो बात कर रहा हूँ वो सब फॉर्मूला बेसिक है। बेसिक मीन्स 9th और 10th से ही आपको पढ़ाया जाता है। अगर आप वो सब याद नहीं करेंगे तो आपकी लिस्ट बढ़ते ही जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव का नॉर्मल फॉर्मूला देख लेते हैं जो नॉर्मल डेरिवेटिव के अंदर यूज होता है। उसके बाद हम लोग लॉगरिथमिक का फॉर्मूला देखेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर का बहुत सारा बेसिक फॉर्मूला, जैसे कि आपको मालूम होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये सब फॉर्मूला भी हम लोग ने डेरिवेटिव के अंदर यूज किया है। तो ये फॉर्मूले की भी अगर काउंटिंग किया जाए, लिस्ट बनाया जाए, तो फॉर्मूले का नंबर बढ़ जाता है। मीन्स यहाँ पे जो मैं 65-70 की बात कर रहा हूँ ये उससे भी ऊपर हो सकता है। तो हम लोग सब फॉर्मूला देखेंगे चाहे वो लिस्ट कितनी भी बड़ी हो, ताकि डेरिवेटिव के अंदर जितना भी फॉर्मूला यूज हो रहा है वो हमको एक साथ मिल सके और हम पढ़ने के बाद एवरी क्वेश्चन के बाद हम वो फॉर्मूले को एनालाइज करें, फिर वो फॉर्मूला यूज करें। समझ में आया? तो सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मैं नंबरिंग के साथ लिखते हुए चलता हूँ, फॉर्मूला डी बाई डी एक्स। सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव का देख लेते हैं। डेरिवेटिव का देखने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक जितना भी फंक्शन का फॉर्मूला वो सब देखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू एन इंटू एक्स रेस टू एन का अगर वो डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एन इंटू एक्स एन माइनस वन डॉट मीन दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट बोले या फिर मल्टीप्लाई बोलो कोई चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेक्टर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, अगर वेक्टर की बात हो रही है तो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज अ डिफरेंट मेथड, डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे। समझ में आया? अभी दूसरा अगर बात करूं मैं डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स, यहाँ पे के दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट, याद रखेंगे के इज ऑलवेज दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है, ये हम लोग ने पढ़ लिया है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला की अगर बात करूं मैं डी बाय डी एक्स ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स की अगर मैं बात करूं तो ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, ये भी हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है। फॉर्मूला जितना भी, ये फॉर्मूला मैंने डेरिवेटिव का आपको बताया, बहुत सारा फॉर्मूला बताया, लेकिन एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं आपको ताकि फिर से पूरा रिवाइज हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 4 अगर बात करूं मैं तो डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स, अगर मैं यहाँ पे ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव लेता हूँ तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है। यही फर्स्ट एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक ऐसा डेरिवेटिव है जिसका यहाँ पे चेंजेस नहीं होता, और यही सेम इंटीग्रेशन में भी होता है। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आप लेंगे तो ई रेस टू एक्स ही आएगा, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन अगर ले रहे हैं तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही आता, कुछ भी चेंजेस नहीं आते। यही एक ऐसा पहला इकलौता फॉर्मूला है, ठीक है। पांचवे की अगर मैं बात करूं, पांचवे यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, अगर साइन एक्स करता हूं मैं यहाँ पे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स नहीं होता, माइनस कॉस एक्स होता है। देखिए चेंजेस यहीं से आपको पता चलेगा, ठीक है। छठे की बात करूं, अगर मैं डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स, जबकि इंटीग्रेशन करूंगा तो माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा कॉस का। धीरे धीरे देखिए ये भी रिकॉल कीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चालू करेंगे, उसके बाद ही इंटीग्रेशन चालू करेंगे, तो इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूला याद होना मस्ट है, ठीक है। सातवां यहाँ पे देखिए क्या है, डी बाय डी एक्स डी बाई डी एक्स टेन एक्स का अगर मैं करूं, टेन एक्स का डेरिवेटिव अगर आया तो क्या जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर हो गया। समझ में आया? सेवन फॉर्मूला हो गया। एट नंबर का भी डालते हैं यहाँ पे, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ओके, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डेरिवेटिव हो गया। नाइन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए नाइन का क्या है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का अगर डेरिवेटिव की बात करूं, क्या है? कॉट एक्स का डेरिवेटिव,
तो क्या होगा माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स। ओके देखिए माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स, जैसे यहाँ पे टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स था वैसे कॉट एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स तो रहेगा लेकिन माइनस के साथ रहेगा। ठीक है रिलेट करके याद कीजिए अभी टेन यहाँ पे टेन नंबर का फॉर्मूला क्या हो गया डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। इलेवंथ की अगर बात करूं मैं इलेवंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स। अभी देखिए यहाँ पे हमारा नॉर्मल यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला हो गया। अब इनवर्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। इनवर्स के फॉर्मूले के बाद और क्या देख लेंगे देखिए एक फॉर्मूला और बचा है यहाँ पे लॉग एक्स का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स। ठीक है एक फॉर्मूला और डायरेक्टली हम लोग ने पढ़ा था क्या पढ़ा था डी बाई डी एक्स रूट एक्स का डायरेक्टली डेरिवेटिव पढ़े थे हम लोग ने। रूट एक्स आप एक्स रेस्टोरेंट के बेसिस पे भी सोल्व कर सकते हैं लेकिन रूट एक्स का डायरेक्टली फॉर्मूला कराना तो ये भी यूज कर सकते वन अपॉन टू रूट एक्स वन अपॉन टू डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है थर्टीन अगर फॉर्मूला नंबर थर्टीन की बात करूं तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे और क्या आ सकता है देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे देखिए इनवर्स का फॉर्मूला चालू हो गया है साइन इनवर्स एक्स अगर आया तो देखिए यहाँ पे वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर फोर्टीन की अगर मैं बात करूं डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स देखिए साइन और कॉस में ओनली फर्क क्या है माइनस का फर्क है माइनस का कहाँ फर्क है यहाँ पे फॉर्मूला सेम है आपका आंसर जो मिलेगा फॉर्मूला सिर्फ माइनस में फर्क है। ठीक है फॉर्मूला नंबर 15 की अगर मैं बात करूं अभी 15 क्या है यहाँ पे डी बाई डी एक्स टेन एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ इसका लेता हूँ टेन इनवर्स ऑफ एक्स का टेन इनवर्स ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ अगर टेन एक्स का डेरिवेटिव नॉर्मल लूंगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लूंगा तो क्या जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया फॉर्मूला नंबर 16 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे डी बाय डी एक्स कॉट इनवर्स ऑफ एक्स कॉट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कितना इजी फॉर्मूला है कि एक फॉर्मूला अगर आप याद करते थे दूसरा ऑटोमेटिक रिलेट से याद हो जाएगा क्या सिर्फ माइनस याद रखने का आपको माइनस प्लस ही पूरा डेरिवेटिव के अंदर खेलने का है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 16 हो गया 17 फॉर्मूला नंबर 17 की बात करूं अगर मैं डी बाई डी एक्स टेन ऑफ कॉट हो गया अभी सेक इनवर्स की बात करूंगा सेक इनवर्स का क्या है वन अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। समझ में आया फॉर्मूला नंबर 18 की बात करूं अगर मैं ध्यान दीजिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन यहाँ पे सेम है यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंजेस माइनस के साथ। ठीक है 18 हो गया अभी 19 फॉर्मूला नंबर 19 ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है फॉर्मूला नंबर 19 दैट इज कॉल्ड डी बाई डी एक्स दैट इज मोर इम्पोर्टेंट यू इंटू वी मीन्स दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं क्या रहता है यू एज इट इज वी का डेरिवेटिव ओके प्लस वी एज इट इज यू का डेरिवेटिव। ध्यान दीजिए हम लोग ने बहुत ज्यादा फॉर्मूले के अंदर यूज किया है यू एज इट इज वी का डेरिवेटिव प्लस वी एज इट इज यू का डेरिवेटिव। फॉर्मूला नंबर ट्वेंटी क्या पड़ा है डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी रा दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन रूल दैट इज कॉल्ड डिवाइड रूल डिवाइड रूल हम लोग ने क्या पढ़ा है यहाँ पे वी स्क्वायर एज इट इज v as it is यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स यू का डेरिवेटिव माइनस यू एज इट इज वी का डेरिवेटिव। ठीक है ये फॉर्मूला हम लोग ने 20 फॉर्मूला डेरिवेटिव के अंदर पढ़ा है और कोई फॉर्मूला अगर छूट रहा है तो देखेंगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे फिर से देखते हैं x रेस टू n के कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव a रेस टू x का डेरिवेटिव भी देखिए e रेस टू x साइन x cos x tan x sec x cot x cosec x log x log x का भी डेरिवेटिव दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ओके वन अपॉन x हो गया रूट x वन अपॉन टू रूट एक्स साइन इनवर्स का भी देख लिया साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स यू इंटू वी का भी डेरिवेटिव देख लिए यू अपॉन वी का भी डेरिवेटिव देख लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स डेरिवेटिव का मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है इसके अंदर आपको कुछ भी अलग नहीं मिलेगा यह आपको मल्ली इलेवंथ और ट्वेल्थ में ही सीखने मिलता है और कहीं नहीं मिस एट नाइन टेंथ के स्टैंडर्ड के अंदर नहीं सिखाया जाता महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर। ठीक है लेकिन इसके अलावा मैंने आपको बार बार एक चीज बताया था कि डेरिवेटिव का अगर मैं दूसरा नाम दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन अगर देता हूं तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है कोई वंडरफुल वाली चीज नहीं है। ठीक है क्यों बोल रहा हूं क्योंकि इसके अलावा भी डेरिवेटिव के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले यूज हुए दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लॉगरिथमिक फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला बहुत सारे फॉर्मूला यूज हुआ है तो ये फॉर्मूला वो जो फॉर्मूला आप लोगों ने बताया मैं आपको वो सब फॉर्मूला आप लोगों ने 8, 9, 10 के अंदर भी पढ़ा जो आपको याद भी होगा और नहीं याद हो तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ उसका टेंशन मत लीजिए। 20 फॉर्मूला ओनली डेरिवेटिव का बाकी सब मॉडिफिकेशन का फॉर्मूला है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं अब इसका मॉडिफिकेशन का पार्ट आपको बता सकूं।
अभी देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग ने 20 फॉर्मूला डेरिवेटिव का देख लिया। अब मॉडिफिकेशन फॉर्मूला जो डेरिवेटिव के अंदर यूज होता है वो हम लोग देखते हैं। 21 की अगर मैं बात करूँ, फॉर्मूला नंबर 21 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे हम लोग ने बहुत बेसिक फॉर्मूला क्या देखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको भी हम लोग ने लिस्ट के अंदर डाला है, तभी हमारा लिस्ट थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला 9th और 10th के अंदर ही पढ़ाया जाता है, हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन ये इग्नोर करने वाली चीज नहीं है। अगर 12th में आप इसको इग्नोर करेंगे तो मैथ्स आपको इग्नोर करेगा और आप फेल होंगे, दोबारा आपको 12th का पेपर देना पड़ेगा मैथ्स का स्पेशली। ठीक है, ये हो गया 21। अगर मैं इसको और मॉडिफिकेशन करूं तो कैसा हो सकता है, ध्यान दीजिए, 22 का इसका मॉडिफिकेशन और करूं तो मैं यहाँ पे क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ओके, और क्या लिख सकता हूं मैं 23 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला कैसे है, वही फॉर्मूला का मॉडिफिकेशन है। एक फॉर्मूला आप समझ गए तो उससे चार फॉर्मूले बनते हैं, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, अभी इसका और मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू और क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोग ने फॉर्मूला यूज किया है, ध्यान देंगे आप जब डेरिवेटिव फॉर्मूला पर, आप जब डेरिवेटिव का मैथ्स पढ़ेंगे तो ये सब फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, 23 के बाद 24 अगर मैं बात करूं तो 24 यहाँ पे क्या है, साइन थीटा के बाद उसके बाद देखिए यहाँ पे और क्या कर सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 25 की अगर मैं बात करूं तो और क्या हो गया यहाँ पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक फॉर्मूले से कितना फॉर्मूला बना, एक ही फॉर्मूला मैन था, उसके बाद 1 2 3 4 फॉर्मूला और एक्स्ट्रा बना, समझ में आया। अभी 25 के बाद क्या करूंगा, 26 फॉर्मूला लिखाते हैं यहाँ पे। 26 फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आप देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे एंगल चेंजेस होता है, मैक्सिमम डेरिवेटिव के अंदर एंगल ही चेंजेस होता है। अगर मान लीजिए कहीं आपको दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो उसकी जगह पे भी 1 ही ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे जो एंगल है वो सेम है, एंगल सेम होना चाहिए, चाहे वो थीटा बाई 2 हो, चाहे 3 थीटा बाई 2 हो, चाहे 4 थीटा बाई 2 है। अगर यहाँ पे 3 थीटा बाई 2 है तो यहाँ पे भी 3 थीटा बाई 2 हो सकता है, लेकिन एंगल ऐसा नहीं है कि थीटा में ही आएगा, एक्स में ही मैक्सिमम आपको एंगल डेरिवेटिव के अंदर एक्स में मिलता है। ठीक है, ये चीज हम लोग ने ऐसा पढ़ा होगा, साइन 3x बाई 2 प्लस कॉस 3x बाई 2 ऐसा पढ़ा हम लोग ने। अगर ये स्क्वायर के साथ है तो इसकी जगह हम लोग डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, समझ में आया, क्योंकि एंगल सेम है, 3x बाई 2 3x बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये वाले फॉर्म की जगह हम लोग डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, समझ में आया, ये हम लोग ने पढ़ लिया है। ठीक है, अभी 26 के बाद 27 देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे 27 क्या है, 27 यहाँ पे क्या हो सकता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते हैं, अपनी जगह पे टेन स्क्वायर डेटा इधर आया, 1 अपनी जगह पे। इट्स योर बेसिक फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला आपको मालूम होना ही चाहिए पहले, ये सब हम लोग डेरिवेटिव के अंदर यूज कर चुके हैं। ठीक है, अब 28 की अगर मैं बात करूं, फॉर्मूला नंबर 28 यहाँ पे क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेटा इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर डेटा, कॉसेक स्क्वायर डेटा। ओके, दैट्स कॉल्ड बेसिक फॉर्मूला, ये भी 9th-10th में हम लोग ने पढ़ा है, जितना भी फॉर्मूला मैं अभी 9th-10th का बता रहा हूँ ध्यान दीजिए, सब 9th-10th में हम लोग पढ़े। ठीक है, 29 फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ऐसा भी सिचुएशन आ सकती है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह 1 पुट अप करना पड़ सकता है, थीटा का एंगल चेंज होगा, अगर एंगल चेंज होना मतलब दोनों के एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ पे अगर 3 थीटा बाई 2 है या 4 थीटा बाई 2 है तो यहाँ पे भी वही सेम होना चाहिए जो भी यहाँ पे एंगल है। ठीक है, ये चीज मस्ट है। अभी 30 का ध्यान दीजिए, 30 में क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहां से थोड़ा सा फॉर्मूले का वेरिएशन आता है, वेरिएशन क्या आएगा, ध्यान दीजिए क्या होगा वेरिएशन, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं रखता हूं तो 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मूला ये हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, साइन 2 थीटा मैक्सिमम टाइम पे फॉर्मूला यूज किया है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या हम लोग ने पढ़ा कि एंगल का वेरिएशन आया है, एंगल चेंजेस हो, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हुए। बच्चे अगर मैं इसको एक और फॉर्म में लिखूं, इसको एक और फॉर्म में कैसा लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, समझ में आया कैसा हुआ। देखिए यहाँ पे 2 थीटा था, यहाँ पे सिंगल थीटा आया, यहाँ पे सिंगल थीटा आया तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, दैट इज अनदर फॉर्म। यही एक क्वेश्चन का देखिए तो यही एक फॉर्मूले का दूसरा फॉर्मूला रूप चेंज हुआ है, फॉर्मूला वही है, सिर्फ एंगल की वजह से फॉर्मूला एक नया जनरेट हुआ है, समझ में आया। तो ऐसे फॉर्मूले आपको मैक्सिमम डेरिवेटिव के 30 to 35 फॉर्मूले मिलेंगे, लेकिन उसका अगर एक्सपांड किया जाए एवरी फॉर्मूले को तो वो बनेगा 65 to 70, समझ में आया। तो 65 to 70 क्यों बनेगा,
क्योंकि हम लोग एवरी फॉर्मूले को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। अच्छे से पढ़ेंगे तो 65 to 70 आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? अभी देखिए यही साइन टू डेटा की बात करूंगा, अगर तो साइन टू डेटा में एक और फॉर्मूला होता है, साइन टू डेटा में एक और फॉर्मूला होता है, टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर डेटा, वन प्लस टेन स्क्वायर डेटा। समझ में आया? क्यों बोल रहा हूं ये, क्योंकि यहां पे प्लस की जगह अगर माइनस हो गया तो टेन टू डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। याद होगा आपको, जरा ध्यान दीजिए, आपको मैक्सिमम वो फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, अभी 33 पे जाएंगे, उसमें क्या रहेगा, साइन टू डेटा का देखिए हम लोग ने, अभी 33 में क्या देखेंगे, कॉस टू डेटा का देखेंगे। 33 की बात करूंगा मैं, कॉस टू डेटा, दैट इज कॉल्ड डबल एंगल फॉर्मूला भी हम लोग बोल सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, कॉस टू डेटा में ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, कॉस टू डेटा में कॉस स्क्वायर डेटा माइनस साइन स्क्वायर डेटा, दैट इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। कॉस टू डेटा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहीं पे बनता है। ठीक है, अभी दूसरा देखिए यहाँ पे 34 में क्या है, 34 अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो कॉस टू थीटा की अगर मैं बात करूं, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू, और फॉर्मूला क्या यहाँ पे बन रहा है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला जरा ध्यान दीजिए, फॉर्मूला बना कैसे था, ये फॉर्मूले का हम लोग दूसरा रूप पढ़े, दूसरा फॉर्म पढ़े, क्या पढ़े है, ध्यान दीजिए, फॉर्मूले का अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूं, टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा, ऐसा हम लोग ने पढ़ा है। मैक्सिमम फॉर्मूला हम लोग ने कैसा पढ़ा, ऐसे फॉर्म में पढ़ा है, कि वन माइनस कॉस टू थीटा आया था, हम लोग ने उसकी जगह क्या लिखा था, टू साइन स्क्वायर थीटा लिखा था। ध्यान दीजिए, ये इसी फॉर्मूले का एक्सपांशन है, इसी फॉर्मूले का एक्सपांशन है। ठीक है, और एक फॉर्मूला हम लोग ने और क्या पढ़ा था, कॉस टू थीटा का, 35 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, कॉस टू थीटा की अगर मैं बात करूं, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये फॉर्मूला भी हम लोग ने पढ़ा है। वो फॉर्मूला कैसा था, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या था, वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था, टू कॉस स्क्वायर थीटा था। याद कीजिए जरा, ये दोनों फॉर्मूला हम लोग ने बहुत ज्यादा टाइम पे इस्तेमाल किया है, लगभग हर थर्ड क्वेश्चन के अंदर, एवरी थर्ड क्वेश्चन के अंदर हम लोग ने ये फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, ये फॉर्मूला इसलिए बोल रहे हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, किसका रूप है, किसका फॉर्म है, यही फॉर्मूले का फॉर्म है, कॉस टू थीटा का। ठीक है, और 36 कॉस टू थीटा की अगर और एक मैं बात करूं, कॉस टू थीटा की, तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस टू थीटा का 1, 2, 3, 4 फॉर्मूले यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो गए हैं। समझ में आया? अब ये दो फॉर्मूला आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए ये दो फॉर्मूला अगर मैं फिर से लिखाना चाहूं, तो 37 में कैसा लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे, कि यहाँ पे कैसा कर सकता हूँ, 1 माइनस कॉस टू थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हुआ कैसे, ध्यान दीजिए ये हुआ कैसे, आपको मैक्सिमम जो आपको बुक में मिलता है टेक्स्ट बुक में सॉल्व करने का तरीका, यहाँ पे डबल एंगल की जगह क्या कर देता है, हाफ कर देता है। अब जब यहाँ पे हाफ करेगा तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक हाफ होएगा ही। कैसे होगा देखिए, अगर मैं यहाँ पे हाफ करता हूँ, मतलब यहाँ पे वन आ गया, यहाँ पे सिर्फ थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा बाई टू हो जाएगा। यही चेंजेस है, यही चेंजेस फॉर्मूले के अंदर, यही चेंजेस है। ये चेंजेस अगर आपको समझ में आ गया है, तो डेरिवेटिव नहीं कोई भी फॉर्मूला आ जाए, कोई भी चैप्टर आपका मैथमेटिक्स के अंदर है, वो इजी से सॉल्व हो जाएगा। एंगल अगर चेंजेस आपको समझ में आ रहा है, तो आप मैथ का कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, आप वो इजी वे में सॉल्व करेंगे। एंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले में, ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूले में समझने के लिए एंगल समझना बहुत जरूरी है। बार बार मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये समझ गए मतलब आप कुछ भी समझ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले के बेसिस पे। ठीक है, 37 हो गया, 38 की अगर मैं बात करूं, 1 प्लस cos 2θ/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos²θ। देखिए प्लस आया cos² आएगा, माइनस आया sin² आया। अब यहाँ पे एक चीज आप माइनस चीज नोटिस करना है कि आपको एंगल सिर्फ नोटिस करना है, यहाँ पे डबल एंगल है तो यहाँ पे हाफ एंगल है, यहाँ पे सिंगल हुआ तो यहाँ पे और हाफ हो जाएगा, यहाँ पे अगर हाफ हुआ तो यहाँ पे हाफ का चौथाई हो जाएगा, 1/4 वाला हो जाएगा। समझ में आया क्या, यही चेंजेस करना है और कुछ भी चेंजेस आपको नहीं करने का है। ठीक है, अभी देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, देखिए साइन का भी cos θ का हो गया, cos का भी हो गया, अभी tan का देख लेते फॉर्मूला। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको 35 to 70 जो मैं बोल रहा हूँ, 65 to 70 यही फॉर्मूले के बेसिस पे जा रहे हैं। 39 अगर मैं बात करूं, तो tan 2 थीटा की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले tan 2 थीटा का फॉर्मूला जो है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए इसके पास प्लस था, इसके पास माइनस आया, देखिए चेंजेस कैसे हो रहा है, प्लस आया तो sin 2 थीटा, माइनस आया तो tan 2 थीटा। ये चेंजेस करना, कुछ भी नहीं करने का। ठीक है, 39 के बाद क्या हो गया, 40 की अगर मैं बात करूं, तो tan a प्लस बी अगर बात करूं, अब यहाँ पे a प्लस बी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस
टेन ए इंटू टेन बी। अगर ये प्लस के साथ आया तो यहाँ प्लस रहेगा, ये माइनस के साथ आया तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। देखिए वेरिएशन कैसे चेंजेस हो रहे हैं। 41 अगर मैं बात करूं तो टेन ए माइनस बी की, अगर मैं बात करूं टेन ए माइनस बी की, अगर मैं बात करूं तो टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ओके देखिए चेंजेस कैसे हो रहा है, यहां माइनस आया तो यहां प्लस आ रहा है, यहां माइनस आ रहा है। देखिए चेंजेस जो फॉर्मूले के अंदर, अगर चेंजेस समझ में आ रहे कि ये एक फॉर्मूला आप याद करेंगे तो दूसरा फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद होगा, 100% याद हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप इसके लिखने की बजाय आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पे माइनस कर दे, यहाँ पे माइनस कर दे, यहाँ पे प्लस कर दे। मतलब क्या, प्लस आया तो ऊपर प्लस, यहाँ माइनस, माइनस आया तो नीचे माइनस, लेकिन यहाँ प्लस, यही चेंजेस करना रहता है। ठीक है, और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है आपको। फॉर्मूला एक बार याद हो गया, मैं बोल रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन आएगा 100% सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला तब याद होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद होते रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 42 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है। अब यहाँ पे इनवर्स के फॉर्मूले का, आपको इनवर्स फॉर्मूला याद करना बहुत ज्यादा मस्ट है। अभी देखिए स्टूडेंट्स करना क्या, यहाँ पे ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई, टेन इनवर्स ऑफ वाई अगर आता है तो इज इक्वल टू, हम लोग इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू करके टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई, ओके वन माइनस एक्स इंटू वाई, दैट इज योर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला देखिए इसी के बेसिस पे आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टेन टेन पूरा कंप्लीट था, यहाँ पे आपको टेन इनवर्स के साथ आपको मिल रहा है यार। अभी ये इनवर्स का भी हो गया, अभी हम लोग देखिए डबल एंगल का भी फॉर्मूला हो गया, अभी ट्रिपल एंगल का भी फॉर्मूला याद होना मस्ट है। डबल एंगल ट्रिपल एंगल से आपको कुछ लेना देना नहीं, आपको फॉर्मूला सिर्फ याद रखने का। ठीक है, देखिए 42 के बाद 43 की तरफ अगर मैं जाऊं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन थ्री टीटा, अगर साइन थ्री टीटा अगर कहीं के आया तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दिया रहना चाहिए साइन थ्री टीटा की जगह, या फिर देखिए ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स की ये फॉर्मूला दिया रहेगा ऐसा बनाना है, राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कि ये दिया रहे यही बनाना, आपको ये दिया रहेगा तो ये भी बनाना पड़ सकता है। इसलिए बोलता हूँ कि फॉर्मूला ऐसा याद कीजिए कि आपको अगर नींद में अगर कोई उठा रहा है तो डायरेक्टली फॉर्मूला कोई पूछ रहा तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तभी आप डेरिवेटिव में एकदम मास्टर्स हो सकते हैं, एकदम स्मार्ट हो सकते हैं। ठीक है, साइन थ्री थीटा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन थ्री थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। अब देखिए 44 देखिए 43 से कितना रिलेटेड है, कॉस थ्री थीटा की अगर मैं बात करूं, कॉस थ्री थीटा, तो ये पहले लिखना है आपको, क्या लिखना है, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। देखिए कितना है, कॉस आया तो कॉस का फॉर्म में लिखना है, साइन आया तो साइन का फॉर्म में लिखना है, साइन का फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। जैसे ही कॉस आया आपको पलटी करने का, सिर्फ पलटने का, पलटने का क्या है, रिवर्स, मतलब जो फर्स्ट लिखा था वो सेकंड पे लिखने का, जो सेकंड पे लिखा था उसको फर्स्ट पे लिखने का, कॉस है तो कॉस का फॉर्म लिखने का। फॉर्मूला याद हो गया, ये भी एक फॉर्मूला याद कीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक याद होगा, बार बार ये बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आप 45 देखिए, आप 45 इतना बेसिक फॉर्मूला है जो मेरे हिसाब से आप 8th-9th में ही पढ़े होंगे। क्या होगा, याद होगा फॉर्मूला, साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, वन अपॉन कॉसेक थीटा, याद होगा ये फॉर्मूला, ये बहुत ज्यादा बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, 46 अगर फॉर्मूले की बात करूं तो कॉसेक थीटा की जगह और मैं क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन साइन थीटा भी लिख सकता हूं, बरोबर, ये फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ा है। ठीक है, 47 अगर मैं जाऊं तो 47 में और क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा की जगह वन अपॉन कॉस थीटा। रिलेशन देखिए, सेक और कॉस का रिलेशन है, कॉसेक का साइन का रिलेशन है, साइन और कॉसेक का रिलेशन है, रिलेशन याद रखना आपको। 48 की जगह और क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा। डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं है ये मॉडिफिकेशन फॉर्मूला है जो आपको डेरिवेटिव के अंदर यूज करने का। 49 अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 49 में क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए, टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा, ओके, और क्या है 50 क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो 51 और 52 फॉर्मूला है, 51 फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 52 फॉर्मूले की बात करो यहाँ पे तो कॉट थीटा, देखिए टेन थीटा कॉट थीटा के अपोजिट में है, मतलब टेन थीटा कैसा होगा, ये वाला फॉर्मूला अपोजिट में हो जाएगा, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, दैट इज योर फॉर्मूला। 52 फॉर्मूला देखिए ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, कुछ भी नहीं किया मैंने, फॉर्मूले को सिर्फ एक्सपांड किया, अभी तक फॉर्मूला एक्सपांड किया ऑटोमेटिक 52। अभी आपको ऐसे ही 20 से 30 फॉर्मूले और बताने वाला हो जो पूरा डेरिवेटिव के अंदर यूज होगा, उसके अलावा आपको एक फॉर्मूला भी इधर उधर याद करने की जरूरत नहीं है, कोई और चैनल पे कोई और पेज पे जाने की जरूरत नहीं, यहीं आपको पूरा फॉर्मूला आपको डेरिवेटिव का मिल जाएगा। अरे 100% बोल रहा हूं, एक बार डेरिवेटिव का फॉर्मूला मिल गया
तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ऑटोमेटिक सॉल्व होगा, 4 मार्क्स का 4 मार्क्स मिलेगा आपको, 80 में 80 पूरा मिलने वाला है मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसका बचा हुआ पार्ट आपको बता सकूं। अभी देखिए क्वेश्चन 52 फॉर्मूला आप लोगों ने देख लिया, अब रिमेनिंग कुछ 22-25 फॉर्मूले वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा फॉर्मूले के साथ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जेडब्ल्यू के अंदर जो डेरिवेटिव के अंदर पूछे गए सवाल, क्वेश्चन पूछे गए, वो हम लोग देखने वाले हैं। साथ में हम लोग ने मैट्रिसेस का भी पार्ट बहुत ज्यादा दिनों से होल्ड पे रखा है प्रीवियस दिन से, वो भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? अभी देखिए 53 फॉर्मूला, यहाँ पे 53 फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं 53 का, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग ने मैक्सिमम टाइम पे यूज किया है। क्या है, साइन ए प्लस बी की बात करूंगा मैं, तो साइन ए इंटू कॉस बी, ओके, फिर यहाँ पे प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए ये फॉर्मूला कंटिन्यू है, ऐसा नहीं कि आप नीचे लिखेंगे, कंटिन्यू है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यही अगर माइनस आता है, ये फॉर्मूले के अंदर माइनस आता है, यहाँ पे आप माइनस लिखेंगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, साइन ए प्लस बी आया तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, अगर साइन ए माइनस बी आया तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यही फॉर्मूला चेंजेस है। अगर मैं इसको एक एक्स्ट्रा करता तो 54 हो जाता है। समझ में आया? अभी देखिए 54 यहाँ पे फॉर्मूला बताऊंगा मैं, 54 यहाँ पे क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉस ए प्लस बी की अगर मैं बात करूं, कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, ओके। अगर कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस। समझ में आया, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, चेंजेस वेरिएशन है, कॉस के अंदर वेरिएशन है, ध्यान दीजिए, साइन के अंदर वेरिएशन नहीं है, साइन के अंदर प्लस है तो प्लस का ही रहेगा, माइनस है तो माइनस का ही रहेगा, ठीक है। 53-54 हो गया। अभी 55 देखिए, ये हम लोग ने फॉर्मूला यूज किया है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। क्या हम लोग ने देखा है, साइन ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है, ये हम लोग ने पढ़ा है बार बार, हम लोग ने 1.3 के अंदर ही पढ़ा, एक्सरसाइज 1.3 याद कीजिए जरा। 55 हो गया, 56 अगर मैं बात करूं तो सेम ये प्रोसेस, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अगर आता है तो इज इक्वल टू एक्स होता है, यहाँ पे भी सेम है। देखिए साइन इनवर्स अंदर था, अभी बाहर आ गया, बात वही बात पड़ रही है, ठीक है। 57 अगर मैं यहाँ बात करूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, और अगर मैं और अब आगे करके लिखूंगा, ठीक है, आगे करके क्या लिखूंगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ओके। यहाँ पे कॉस इनवर्स बाहर था, सॉरी यहाँ पे भी बाहर है, यहाँ पे भी बाहर है, यहाँ पे मैं अंदर लिख दे रहा हूं, ठीक है। कॉस इनवर्स ऑफ यहाँ बाहर था, यहाँ अंदर चले गया, अभी दोनों का आंसर एक्स के फॉर्म में ही आएगा। ऐसा नहीं कि सर आप बोलेंगे कि सर आपने हमेशा कॉस एक्स अंदर बताया है, बाहर नहीं बताया, बाहर भी आ सकते भाइयों, समझ में आया, बाहर भी आया तो भी एक्स आएगा उसकी वैल्यू, समझा। अभी देखिए 58 फॉर्मूला नंबर 58 की बात करूं मैं, साइन इनवर्स साइन का भी हो गया, कॉस इनवर्स कॉस का भी हो गया, अभी टेन इनवर्स की बात करूंगा मैं, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स, और फॉर्म में चले गया अगर मैं तो टेन और टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, एक्स लिखूंगा। अब ये फॉर्मूला आया तो एक फॉर्मूला और याद आया होगा कि ये फॉर्मूला टेन और कॉट का रिलेशन बनता कैसा था। देखिए जरा याद कीजिए, यहाँ पे 59 में क्या हम लोग ने देखा था, अब एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे साइन पाई बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, याद कीजिए ये रिलेशन। अभी हम लोग ने एक्सरसाइज 1.5 का जब लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, लास्ट वीडियो में जब हम लोग देख रहे थे, तो हम लोग ने एक क्वाड्रेंट बनाया था, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, बताया था मैंने आपको, याद होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ओके, बताया था मैंने, दैट इज कॉल्ड पाई बाय टू, पाई, थ्री पाई बाय टू, टू पाई। स्टार्ट कैसे कर रहे थे, जीरो से, यहाँ पे ऐसा एंटी क्लॉक वाइज, दैट इज कॉल्ड काउंटर क्लॉक वाइज हम लोग जा रहे थे। यहाँ पे क्या देख रहे थे हम लोग, मतलब एवरी एंगल दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव, यहाँ पे क्या देखे थे, साइन एंड कॉसेक थीटा ओनली पॉजिटिव, कॉसेक थीटा ओनली पॉजिटिव देखे थे, यहाँ पे इसके अंदर क्या देखे थे, टेन एंड कॉट थीटा ओनली पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव मतलब रिमेनिंग आर निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या था, कॉस थीटा एंड सेक थीटा इज पॉजिटिव, रिमेनिंग क्या रहेगा, यहाँ पे रिमेनिंग सब निगेटिव रहने वाला है, समझ में। अब देखिए साइन, अब एक चीज याद रखेंगे, पाई बाय टू अगर आता है, दैट इज कॉल्ड, अगर टू नीचे मतलब डिनोमिनेटर में टू आता है तो साइन का उल्टा कॉस होगा, कॉस का उल्टा साइन होगा, टेन का उल्टा कॉट होगा, कॉट का उल्टा टेन होगा, सेक का उल्टा कॉसेक होगा, कॉसेक का उल्टा सेक होगा। ये चीज याद, एक रिलेशन याद रखना आपको,
पाई बाय टू माइनस थीटा, पाई बाय टू माइनस थीटा, माइनस मतलब यहां से हो रहा है, तो मैंने क्या बताया पहले क्वाड्रेंट के अंदर सब प्लस होगा, यहाँ पे देखिए प्लस ही हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 60 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा भी होता है, प्लस नहीं होगा। प्लस में क्यों होगा, क्योंकि पाई बाय टू माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एवरी एंगल्स आर इन पॉजिटिव, हर एंगल पॉजिटिव होगा, इट्स फॉर पॉजिटिव, समझ में आया। अब देखिए 60 हो गया, 61 की मैं बात करूंगा यहाँ पे। अब देखिए सिर्फ मैं दो रिलेशन बताने वाला हूँ यहाँ पे, पाई बाय टू और पाई का रिलेशन बताने वाला हूँ, ठीक है। साइन के बाद उसके बाद क्या यूज करेंगे, साइन का, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा आया अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए प्लस होगा कि माइनस होगा, जरा ध्यान दीजिए प्लस होगा। प्लस क्यों होगा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा हो रहा है, ये पाई माइनस थीटा, अब साइन इसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर प्लस होगा, तो साइन पाई माइनस थीटा, सॉरी यहाँ पे पाई का रिलेशन हमेशा पाई के साथ ही रहेगा, सॉरी पाई का रिलेशन हमेशा, जो भी साइन अगर आपने एंगल यूज किया तो साइन ही आएगा, कॉस है तो कॉस आएगा, अगर यहाँ पे डिवाइड बाई टू होता तो साइन का कॉस हो जाता, कॉस का साइन हो जाता, समझ में आया। अभी 62 अगर फॉर्मूले की बात करूं यहाँ पे, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा दैट इज कॉल्ड कॉस थीटा, माइनस के साथ आएगा, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि पाई माइनस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस तो माइनस में आएगा, दैट इज कॉल्ड माइनस, क्योंकि ओनली साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर इन पॉजिटिव, समझ में आया। ये रिलेशन याद रखना बहुत जरूरी है, माइनस कब होगा प्लस कब होगा, साइन कॉस भी हो गया। अभी टेन कॉट देख लेते, टेन पाई बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, समझ में आया। 64 की अगर बात करूं मैं, 64 में क्या हो जाएगा, कॉट पाई बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। 65 अगर मैं बात करूं अब यहाँ पे, सेक पाई बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। देखिए माइनस में अगर पाई बाय टू आ रहा है तो मतलब आपको पॉजिटिव ही आने वाला है, माइनस में मीन्स पाई बाय टू की माइनस की बात कर रहा हूं, ठीक है। 66 अगर बात करूं यहाँ पे, तो सेक के बाद क्या हो जाएगा, कॉसेक पाई बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक थीटा, समझ में आया। इतना फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये फॉर्मूला इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव के हिसाब से, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 66 फॉर्मूला हो गया। अभी देखिए 67, अब यहां से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला था वो कंप्लीट हुआ, सॉरी दो फॉर्मूले और बचे हुए, भी दो से तीन फॉर्मूले, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाय टू, ये फॉर्मूला भी याद रखना आपको जरूरी है, ठीक है। 68 फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी होता है पाई बाय टू, समझ में आया। 69 फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी होता है पाई बाय टू, और पाई बाय टू मीन दैट इज कॉल्ड 90। अभी क्या करना है यहाँ पे, 70 फॉर्मूला ध्यान दीजिए, 70 फॉर्मूला दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्या है यहाँ पे, एक्स जीरो, जीरो नहीं है डिग्री है, तो एक्स जीरो डिग्री की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, पाई बाय 180 इनटू एक्स, ठीक है। डिग्री आया, डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज करते हैं, हमेशा रेडियन के अंदर चेंज करेंगे। अब रेडियन आया तो रेडियन को भी आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे रेडियन चेंज कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे पाई डिवाइड बाय 180, अब ये 180 है तो डिग्री में चेंज होगा कि रेडियन में, यहाँ पे रेडियन लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसा लिखते हैं हम लोग, 30 अगर डिग्री है तो 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज करते हैं 180, याद कीजिए 300 3 से बैठ रहा है, ऐसा पढ़े होंगे हम लोग पाई डिवाइड बाय 6, ये किसके अंदर, ये डिग्री को हम लोग ने क्या किया, रेडियन के अंदर चेंज किया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिग्री के अंदर किसके अंदर चेंज होगा, ये रेडियन के अंदर, समझ में आया। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये 11 के फर्स्ट चैप्टर में ही है, डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री कैसे चेंजेस करते हम लोग। 72 आया तो यहाँ पे क्या करेंगे, 180 डिवाइडेड बाय पाई इनटू रेडियन, अभी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 डिवाइडेड पाई इज इक्वल टू डिग्री, समझ में आया। ये 72 फॉर्मूला दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 72। अभी देखिए ये फॉर्मूला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का कंप्लीट। अभी क्या बचा है यहाँ पे हमारा, वनली लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल का जो फॉर्मूला है वो बचा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक दो चैप्टर के अंदर लॉगरिथमिक का भी फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है। अभी 73 फॉर्मूला देख लेते हैं, 73 क्या है, लॉग ऑफ ए रेस्ट टू बी, ये फॉर्मूला हम लोग ने देखा था, क्या देखा था, बी इंटू लॉग ऑफ ए देखा था, याद होगा ये फॉर्मूला, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 74 अगर आया तो 74 में हम लोग ने क्या देखा है, लॉग ऑफ ए इंटू बी आया अगर, मतलब ए इंटू बी, तो हम लोग ने क्या देखा था, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ
बी देखा था, याद होगा जरा ध्यान दीजिए। 75 अगर फॉर्मूला नंबर 75 यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी आया, अगर ए डिवाइडेड बाय बी आएगा क्या, याद कीजिए ए डिवाइडेड बाय बी आएगा क्या, नहीं ए डिवाइडेड बाय बी हो ही नहीं सकता, होएगा क्या, होएगा। फॉर्मूला जरा कॉन्फिडेंस से बोलिए आप लोग, ए डिवाइडेड बाय बी मीन्स ए डिवाइडेड बाय बी, ऐसा लिखिए या वैसा लिखिए कोई इशू नहीं है। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, समझ में आया। अभी दो फंक्शन है तीन फंक्शन है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ए इंटू बी इंटू सी अगर आता है तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, ऐसा करने वाले हम लोग, ठीक है। 76 फॉर्मूला नंबर 76, लॉग ऑफ ई इज ऑलवेज इज इक्वल टू वन, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, लॉग ऑफ ई इज ऑलवेज इज इक्वल टू वन, ये फॉर्मूला भी याद रखने का है। 77 पे क्या करने का है, ए इंटू लॉग ऑफ ए बेस लॉग ऑफ बेस ऑफ ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये दो से तीन ही फॉर्मूला यूज हुआ है, दो से तीन क्वेश्चन के अंदर, ओनली टू टू थ्री क्वेश्चन के अंदर, लेकिन ये क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको मैक्सिमम ओनली 12 के अंदर ही देखने मिलेगा और कहीं नहीं देखने मिलेगा, 9 10 11 में भी नहीं देखने मिलेगा, ओनली 12 के अंदर, समझ में आया। अब 78 फॉर्मूला नंबर 78 की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला नंबर 78 जो है वो भी लॉग के फंक्शन का फॉर्मूला है। 78 जो फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, लॉग ऑफ ई रेस टू एन इंटू लॉग एक्स, अगर ऐसा फॉर्मूला आता है, लॉग कैसा आएगा फॉर्मूला, ई रेस टू के ऊपर कोई ना कुछ पावर रहेगा इंटू लॉग एक्स, तो उसकी जगह हम लोग को क्या लिखना है, लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ई रेस टू एन, समझ में आया, लॉग ऑफ ई रेस टू एन और लॉग इज ऑलवेज इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे पावर जो रहेगा ऑटोमेटिक वही बचने वाला है। ये भी एक से दो क्वेश्चन के अंदर यूज हुआ है, तो ये यूज करने के बाद यहां तक कंप्लीट करने के बाद हमारा 78 फॉर्मूला कंप्लीट हुआ है, जो डेरिवेटिव का ओवरऑल फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला अगर उम्मीद करता हूं आप लोग ये 78 फॉर्मूला याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, मेमोराइज कैसे होगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करेंगे, बार बार उसको रिपीट करेंगे, बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला एक बार नहीं 10 बार लिखिए आप लोग, एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, 3 बार होगी, कभी ना कभी तो पूरा सही आएगा, जब भी पूरा राइट आएगा दैट इज योर यहाँ पे फाइनल आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 78 फॉर्मूला के साथ हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और ये डेरिवेटिव का पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है, और जब भी हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद भी मैं आपको पूरा फॉर्मूला इसे स्टार्ट से बताने वाला हूँ, ये फॉर्मूला रिपीट नहीं करूंगा। ये फॉर्मूला रिपीट क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक बार आप लोग मेमोराइज अगर कर ले रहे हैं तो वहां पे याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर ऑलरेडी 30 to 35 उसका फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पे 20 फॉर्मूला हम लोग ने डेरिवेटिव का देखा था, वैसे इंटीग्रेशन के अंदर 30 to 35 फॉर्मूला उसके ऑन फॉर्मूले है, उसके बाद अगर ये फॉर्मूला ऐड करूंगा तो 100+ हो जाएंगे, जो ये पॉसिबल नहीं है फॉर्मूला इतना आपको डबल याद करने का, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, इसके बाद डेरिवेटिव का जो पोर्शन मैं बताया आपको, जे डबल ई का जो पोर्शन है उसके अंदर हम लोग देखने वाले कि जो हम लोग पढ़े हैं भाई जे डबल ई के अंदर आया है कि नहीं आया, कितना हम लोग उसको यूज यूटिलाइज कर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग मैट्राइसिस का भी पार्ट जे डबल ई का देखने वाले हैं, साथ में उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करने बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, अभी नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।